उदयपुर से बड़ी खबर है। वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो की उदयपुर में बड़ी कार्रवाई। दो आरोपियों के पास से अज्ञात जानवर के नाखून बरामद किए हैं। पैंथर या शेर के बताए जा रहे हैं ये नाखून। वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो की टीम मामले की जांच कर रही है और जल्द ही लैब टेस्ट के बाद स्पष्ट होगा। आज सुबह भी टीम ने एक आरोपी के कब्जे से 20 से ज्यादा कछुए बरामद किए थे। सोशल मीडिया के मार्फत जंगली जानवरों के अंगों की बिक्री में लिप्त हैं सभी आरोपी। फिलहाल पूछताछ इनसे की जाएगी। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पैंथर या शेर के नाखून बताए जा रहे हैं जो टीम के हाथ लगे हैं। वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो की यह बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था टीम की तरफ से, जब 30 से ज्यादा कछुए बरामद किए थे। तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ आरोपी से लगातार की गई, लेकिन फिलहाल ये दूसरा मामला। रवि मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। रवि, और क्या जानकारी इस खबर से संबंधित है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, आज वन विभाग उदयपुर और वन विभाग की जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है जी, जिसके देवेंद्र सिंह राठौर जो है, उन्होंने ये बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। आज सुबह से वन विभाग की टीमें इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रही हैं। आज सुबह एक बंदे को पकड़ा जिसके पास से 20 दुर्लभ जो कछुए हैं वो बरामद किए जी। और आज शाम को जो है फिर से एक और इनपुट था वन विभाग की जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसके पास में कि दो आरोपी हैं जिनके पास में नाखून है और ये नाखून संभवतः पैंथर या फिर शेर के हैं, क्योंकि इनका अभी लैब टेस्ट होना बाकी है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि जो नाखून इनके पास मिले हैं ये किसके हैं। लेकिन ये जो है कार्रवाई एक बड़ा संकेत है कि किस तरीके से उदयपुर अंचल में वन्यजीव तस्कर जो है वो सक्रिय हुए हैं और वो अपनी उपस्थिति जो है वो इस तरह की घटना, इस तरह की कार्रवाइयों के मार्फत उनकी उपस्थिति का जो पता चला है ये काफी गंभीर विषय है। और वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो इस बाबत गंभीर भी हुए हैं कि इस तरह की जो घटना है उन पर रोक लगाई जाए। क्योंकि देखिए दीपिका, उदयपुर अंचल जो है यहाँ पर कई तरह के दुर्लभ जीव जंतु वन्य जीव पाए जाते हैं जिनमें पैंथर बहुत आयत में है और भी जो दूसरे जीव है वो काफी तादाद में है। जंगली इलाका है, काफी सघन क्षेत्र है, तो ऐसे में वन्य जीवों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं ऐसे तस्कर, और यही वजह है कि टीमें जो है लगातार कार्रवाई कर रही हैं। जी दीपिका। रवि, एक और सवाल, रवि जरा ये बताइए, क्योंकि इससे पहले जो कार्रवाई की गई थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से की गई थी, वहां पर पहले इनको वॉच किया गया उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या ये कार्रवाई भी वैसे ही हुई है या फिर अंदरूनी इनपुट था? बिल्कुल, देखिए दीपिका, आपने बहुत सही कहा है कि ये जो आज सुबह जब कार्रवाई हुई थी वो भी सोशल मीडिया पर इन तस्करों ने लोगों को इस तरीके से, एक तरीके से कहे तो इस तरह के जो वन्य जीवों के जो अंग हैं उनके बारे में जानकारी दे रखी थी कि उनके पास कछुए हैं जो बेचना चाहते हैं। और जो वन विभाग की जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसने इन्हीं सोशल मीडिया के इनपुट्स को जो है इंट्रोगेट किया, इन्हीं इनपुट्स को जो है और सख्ती से उन पर जांच शुरू करी और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर एक कस्टमर की तरह इन ये जो तस्कर है इनके साथ बातचीत करी। और उसके बाद जब ये तस्कर उनके एक तरीके से कहे जाल में आ गए तो उन्हें बुलाया कि माल की डिलीवरी दे और पैसा ले ले। इसके बाद ये जो तस्कर है, आज सुबह भी जो एक तस्कर पकड़ा जिसके पास 20 कछुए थे उसको भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया। और आज अभी थोड़ी देर पहले ही जो ये नाखून बरामद हुए इन दोनों तस्करों को भी इसी तरीके से वन विभाग की जो टीमें हैं उन्होंने पकड़ा है। उनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जो नाखून उनके पास में है ये किसके हैं, कहां से लाए हैं और क्या उनकी आगे की प्लानिंग थी। ठीक है रवि, पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है टीम की तरफ से। आपका बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।